अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सबा मुकद्दस अपने नए व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है वो मुझे लाजमी बनाना पड़ा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हुई थी घर के कामों में और कुछ गेस्ट आए थे, कुछ मेरी स्लगिश तबीयत की वजह से। अब मेरे हस्बैंड बार बार मुझे कह रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि यार बना रही हो व्लॉग, इसको कंटिन्यू रखो, लेकिन मेरी सुस्ती जो है ना वो आड़े आ रही थी जिसकी वजह से मैं नहीं थी उसकी तरफ आ रही। फिर आज मैंने सोचा यार आज बनाना है, ठीक है, एक तो व्लॉग बनाना है। ये आप लोगों को कपड़े नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस लिए मैंने ये व्लॉग बनाना है या आप लोगों के सामने किस वजह से मैं ये व्लॉग जो है बनाने पर मजबूर हो गई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा व्लॉग के लिए डिफरेंट आइडियाज़ दे रहे थे, तो वो आइडियाज़ में मुझे माइंड में क्लिक किए, तो मैंने कहा यार आज एक या दो व्लॉग लाजमी मैंने अपने हस्बैंड को कहा हम लोगों ने बनाना है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को कपड़े नज़र आ रहे हैं, आप लोग इस पर एक नज़र डाल चुके हैं, तो ये कपड़े हमें गिफ्ट किए गए हैं। कुछ कपड़े जो हैं वो ऑलरेडी मैं अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको इस ड्रेस के बारे में बताया था कि हम नूरपुर गए थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ, उन्होंने हमें गिफ्ट्स दिए थे, उन गिफ्ट्स में से ये सूट है जो कि मैंने स्टिच करवाया, और स्टिच करवाया इस तरह की डिज़ाइनिंग करवाई कि आगे जैसे पे पाकिस्तान और इंडिया में पता है कि अभी तो गर्मियाँ हैं लेकिन कुछ माह बाद सर्दियाँ आ जाएंगी, तो मेरी बहुत सी बहनें, मेरी बहुत सी बेटियाँ, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स, बहुत से सब्सक्राइबर जो हैं उन्होंने कपड़े स्टिच करवाने थे। तो आप अपने सर्दियों के ड्रेस पे भी या समर पे भी आप करना चाहें तो इसमें से आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक सिस्टर इन लॉ है सबसे छोटी, उन्होंने मेरे बच्चों को गिफ्ट किए हैं सूट ये स्टिच करवा के। उन्होंने मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ है वो मेरे कपड़े स्टिच करती हैं, मेरे बच्चों के भी वही करती हैं, तो उन्होंने ये स्टिच किए थे, बाजी लेके आई थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, बेटी भी है बेटा भी है, तो आप लोगों के लिए ये भी आइडियाज़ हो सकते हैं कि आप किस तरह के अपने बच्चों के कपड़े स्टिच करवाना चाहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले आप आ जाएं मेरे ड्रेस की तरफ, ये देखें जी सारी, पहले मैं आपको फुली ऊपर से नीचे तक देखें, ये डोरिया स्टफ़ है और लॉन है, और बड़ी मज़े की लॉन है ये देखें, ठीक है। साथ साथ मैं आपको इसका बताती जाऊंगी कि इसमें मैंने क्या मॉडिफिकेशन की है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बैक साइड थी ड्रेस की, और जो फ्रंट थी वो मैंने बैक कर दी है, और बैक साइड जो है वो आगे कर दी है उसमें डिज़ाइनिंग करके। ये मैंने शलवार का कपड़ा, जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो मैंने साथ इसके साथ नीचे लगवा के, तो ये मैंने स्टिच करवाया है। ये मैंने ज़ाइना का ड्रेस एक देखा था रेडीमेड, उसकी मैंने ये कॉपी की है, ठीक है। और ये जनाब, ये इसको रिबन लगे हुए हैं, ये देखें, ये आप इस तरह से इसको लूज़ भी रख सकती हैं, जितना टाइट आप इसको करना चाहें आप उतना इसको टाइट भी कर सकती हैं। मैंने शलवार का कपड़ा इस वजह से लगाया था, मैंने कहा थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा। ज़ाइना का मैंने देखा था वो फुली सेम, मतलब सेम एक ही कपड़ा था जो इधर भी लगा हुआ था और इस साइड पर भी नेट का था, लेकिन वो मुझे आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लगा, मैंने कहा थोड़ा मैं डिफरेंट कर लेती हूँ। तो ये कुछ बटन पड़े हुए थे स्टिच करवा के, तो ये चार बटन जो हैं फैंसी बटन ये मैंने लगवाए हैं, ठीक है। आप इसकी जगह टसल वगैरह भी अगर लगाना चाहें तो वो टसल भी लगा सकती हैं। और ये देखें, ये नीचे से शर्ट है, नीचे जिस तरह आप इनर का कपड़ा लगवाती है ना उस तरह से लगवा के ऊपर ये मैंने प्रिंटेड कपड़ा जो है ये लगवाया है। और उसके बाद जो शर्ट का जो वो थी बॉर्डर था वो भी मैंने आगे लगवाया, और ये देखें, ये आप इसको इस तरह से भी डिज़ाइन, इसको खुला रखना चाहें तो इस तरह से भी कर सकती हैं, अगर आप उसको मज़ीद बांधना चाहें यानी गिरा लगाना चाहें उस तरह से भी कर सकती हैं। और ये क्वार्टर है ये बाजू, और बाजू के बाजू का डिज़ाइन देखें कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से इस तरह से है। और ये बॉर्डर मैंने डबल लगवाया है, ऑलरेडी इसका बाजुओं का लगा हुआ था बॉर्डर, ये मैंने शर्ट में से कटवा के तो बॉर्डर लगवाया, ठीक है। ये भी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, आप लोग मुझे व्लॉग में भी, नेक्स्ट व्लॉग में भी पहना हुआ देखेंगे। अच्छा जी, ये इसकी बैक साइड है, ये फ्रंट थी जो कि मैंने बैक जो है लगवा ली बाजी से, इस वजह से क्योंकि मैं एम्ब्रॉयडरी
ड्रेस पहन पहन के थक गई हूँ, तो मैंने आइडिया जो है वो चेंज किया। मैंने कहा आप मुझे बैक साइड पे कर दें, ये मैंने बैक साइड पे ले आई और ये शर्ट का जो फ्रंट आना था वो मैंने बैक कर दिया। ठीक है, मुझे इसके कपड़े की वजह से, स्टफ़ की वजह से ये कपड़ा बड़ा मज़े का लगा था, तो मैंने कहा ये मैं स्टिच करवा लेती हूँ। और इसके अलावा इसका जनाब ये सिंपल ट्राउज़र है, ये देखें, खड़ा पजामा है, या ये ज़रा दिखाइएगा, और ये देखें इसके शलवार पे भी मैंने वो जो बॉर्डर था शर्ट में से वही कटवा के इधर भी लगाया, इसमें भी ये गिरा लगी। आप इसको खुला रखना चाहें खुला रखवा सकती हैं, ये खड़ा पजामा है, ठीक है। और ये मैंने दोनों, मतलब जो उसके पोंचे बोल लें, ट्राउज़र का एंड बोल लें, उसमें मैंने इस तरह से लगवाया। जो बाजुओं में जो डिज़ाइन दिया है वही मैंने सेम इसके ट्राउज़र में लगवाया, ठीक है। ये लें जी जना। अच्छा, इस ड्रेस को लेने की, सिलवाने की मेन रीज़न, ख़वातीन को तो पता होगा कि हमारी दुपट्टों में हम लोगों की जान होती है, हम कोई भी कपड़ा ख़रीदें तो हमें दुपट्टा बड़ा मज़े का लगता है। और ये देखें इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, और दुपट्टा खुला भी है, और इसका बॉर्डर देखें ऐसे जैसे वो पश्मीना शॉल्स वगैरह नहीं, उनके जिस तरह से बॉर्डर होते हैं ना, तो उस तरह से ये बना हुआ है, चारों तरफ बॉर्डर ये बना हुआ है। यही बॉर्डर मैंने वो ट्राउज़र के एंड पे लगवाया हुआ है, और शर्ट बाजुओं के एंड पे भी यही लगवाया हुआ है। स्टफ़ बड़ी मज़े की है, ठीक है। ये वो दुपट्टा है जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गई कि मैंने ये सूट जो है वो सिलवाना है, ठीक है। ये लें जी। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जब बाजी ने ये मेरा सूट सिया तो मेरे जहन में आया कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट, जब अभी मैं अम्मी की तरफ गई थी तो मेरे भाई ने मुझे शूज़ मेरे लिए मंगवा के रखे थे, जो कि ऑनलाइन उसने मंगवाए थे। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार ये शूज़ तो बिल्कुल उसके साथ मैच हो गए हैं, तो मैं उसके साथ पहन लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं ये भी आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरे भाई ने मुझे शूज़ जो हैं वो गिफ्ट किए थे। ये देखें, ये शूज़ हैं उसके साथ मैच हो गए हैं, ऊपर देखें फ्लावर बने हुए हैं और डायमंड लगे हुए हैं, कई जगह पे मोती लगे हुए हैं, और शीशे के ये शूज़ बने हुए हैं। और हील जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी इजी लगी थी पहन के, मैंने देखा था तो उसने बड़े प्यार से मुझे गिफ्ट किए थे। ये फ़र्स्ट टाइम मैं ये, मतलब सोल और ये शीशा स्टफ़ जो है वो फ़र्स्ट टाइम मैं इसके साथ वेयर करूँगी। अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग हमारी YouTube फैमिली है। अच्छा जी, ये ज़ायना का है। सबसे पहले ये देखें, ये ज़ायना की शर्ट है, ये बाजी ने, देखें जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसकी टाइयाँ बना के छोटी छोटी वो लगाई हैं, और ये लेस लेके उसको ज़िगज़ैग में फुल इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से की है, ये ए शेप में आ जाएगी, ठीक है। वी गला इसका, और बिल्कुल स्लीवलेस के करीब, इसके स्लीव के करीब बाजू में थोड़ा थोड़ा, बस उन्होंने स्लीवलेस रखने थे लेकिन थोड़ा सा उन्होंने बाजू ज़रा इसके बड़े रख दिए। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, ये ज़ायना ने पहनी थी, बहुत प्यारी लगी थी। हो सकता है जो मैं वीडियो लाइसेंस की बनाती हूँ उसमें ज़ायना आपको पहने हुए ये नज़र आई। ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र देखें, और इसका मुझे ट्राउज़र और शर्ट का कलर बड़ा प्यारा लगा था, शॉकिंग। ये देखें, ऊपर से टाइट है बाजी ने रखा, नीचे से थोड़ा खुला है, ये प्लाजो टाइप है, सिम मतलब बहुत ज़्यादा खुला नहीं है लेकिन प्लाजो है। तो ये ज़ायना ने पहना भी है, एक दफ़ा उसको बड़ा प्यारा लगा, तो मैंने कहा मैं, आप लोगों के बच्चे भी, बेटियां भी हैं जिन लोगों की, अगर वो अपने बच्चों का बनाना चाहें तो वो ये आइडिया जो है वो उन पर अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा जी, ये जुहैर का है, ये जनाब ये कुर्ता है, ये है, इसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी भी, कुर्ता भी आप इसको बोल सकते हैं, इसके अलावा इसको चिकन का भी कुर्ता बोलते हैं। ये वाइट है, ऑफ वाइट कलर है, ऊपर बाजी ने ये वाइट कलर के इसको बटन लगाए हैं। ये आप जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेहंदी वगैरह होती है, मेहंदी का फंक्शन होता है, तो वाइट ड्रेस जो है वो लड़कों ने स्पेशली पहने होते हैं, तो आप ये इस तरह का स्टिच करवा सकती हैं। ये जनाब इसका सिंपल ट्राउज़र है, खड़ा पजामा इसका भी बनाया है, क्योंकि जुहैर को खड़े पजामे बड़े अच्छे लगते हैं पहने हुए ना, वाइट।
और एक और बात मैं शेयर करना चाह रही थी, मुझे एकदम मेरे जहन में आया, काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रही हूँ, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर जो हैं वो लाइसेंस वाली वीडियो पे आके कह रहे हैं आप ये क्या कर रही हैं, आप ये क्यों कर रही हैं, इतना गंदा काम कर रही हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरह आप लोगों को व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी तरह से मेरे सब्सक्राइबर जो दूसरे हैं जिनको लाइसेंस वाली वीडियो पसंद है, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें, डिसलाइक करके किसी को डिस्करेज ना करें। जिस तरह आपको व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी तरह मेरे दूसरे सब्सक्राइबर को लाइसेंस वाली वीडियो पसंद है। उन्होंने कभी आके इस तरह नहीं कहा कि आप ये व्लॉग क्यों बना रही हैं। अभी वो इंटरनेशनल ऑडियंस है, वो ना कभी उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी लैंग्वेज से मसला है। जिस तरह वो मेरे व्लॉगिंग जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं, कमेंट करते हैं, इसी तरह आप लोग अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो आप लोग ना देखें, आप व्लॉग देख लें। और इसके अलावा आप लोगों के पास और डिफरेंट आइडिया हैं मुझे व्लॉग्स में बता दिया करें, मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। जिस तरह उनकी रिक्वेस्ट जो है मैं फॉलो करती हूँ और वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आप लोगों के लिए भी व्लॉग्स बनाऊँगी। आप सब लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मुझे अपनी फैमिली को इकट्ठा लेके चलना है, ठीक है। तो मेरी इस बात को आप ज़रा आजिज़ी से लीजिएगा, ये ना कहिएगा कि मैं आप लोगों को डांट रही हूँ या आप लोगों पे सख्ती कर रही हूँ या नाराज़ हो रही हूँ। तो मुझे जो चीज़ बुरी लगी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ हर बात शेयर की जाती है, ठीक है। अब अनटिल द नेक्स्ट वीडियो आपने मुझे इजाज़त देनी है, और मुझे कमेंट्स में बताना है, इस व्लॉग में बताना है कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसे लगे। और अगर आप लोग मज़ीद कोई व्लॉग किसी और कंटेंट पे या किसी और आइडिया पे मुझे चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आपने मुझे वो आइडिया ज़रूर शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।